मालूम है कि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं मालूम हम इसे क्यों मनाते हैं। तो मैं सबसे पहले तो सभी वुमेन्स के लिए कुछ लाइन्स कहना चाहूंगी। अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, अपना वजूद भुलाकर हर किरदार निभाती है, यह वो देवी है जो घर को जन्नत बनाती है, घर को जन्नत बनाती है। अब मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि हम लोग वुमेन्स डे तो मनाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि इसका मकसद क्या है, उसे मनाया क्यों जाता है। तो मेरा आज का स्पीच इसी बात पर बेस्ड है कि वुमेन्स डे क्यों मनाया जाता है। औरतों को इज्जत देने के लिए और उनके रुतबे को बढ़ाने के लिए उनका एक दिन मुकर्रर करके इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन औरतों की तारीफ से रिलेटेड स्पीचेस देकर उनके हौसले को बढ़ाया जाता है। हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर मुल्क में मनाया जाता है। हमारी जिंदगी में वुमेन का एक अहम मकाम है, औरत का एक अहम मकाम है। रब ने औरत को जिस घर में भेजा रहमत बनाकर भेजा। एक वो भी वक्त था जब औरत की इज्जत नहीं की जाती थी, उस पर जुल्म किया जाता था, बेटियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। लेकिन बढ़ते समय के साथ लोगों की सोच बदली और उन औरतों पर होने वाली जुल्म खत्म हुई। हम सबकी जिंदगी में औरत का एक अहम मकाम है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, एक माँ के रूप में हो, एक बहन के रूप में हो, एक बीवी के रूप में हो या बेटी के रूप में। औरत सबकी जिंदगी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन आज के दौर में वो जुल्मत फिर जा चुकी है। लोग इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाते हैं, वुमेन्स डे मनाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि सिर्फ वुमेन्स डे मनाने से या अच्छे स्पीचेस देने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उनका हक अदा करके, उन्हें इज्जत देकर और उनकी कदर करके ही वुमेन्स डे का असली मकसद पूरा होगा। हम में से किसी को नहीं मालूम कि औरत का क्या मकाम है, ये बड़े अफसोस की बात है। हम सबको औरत के मकाम के बारे में सोचना और समझना चाहिए। आज के दौर में लड़कियां आगे बढ़ती जा रही हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, वो घर के काम काज में नहीं बल्कि आगे बढ़कर तालीम मुकम्मल करने में यकीन रखती है। वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे पढ़ाई लिखाई हो या खेल कूद, लड़कियाँ अव्वल आती हैं। तो हर इंसान को चाहिए कि वो लड़कियों को कमज़ोर न समझे। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं, वो बहादुर होती हैं, वो हर काम कर सकती हैं। हमें उनकी कदर करनी चाहिए, उन्हें इज्जत देनी चाहिए। अब मैं अपना स्पीच कुछ लाइंस कहकर खत्म करना चाहूँगी। मेरी लाइंस स्पेशली हर माँ को डेडिकेट करना चाहूँगी। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। कोमल है कमज़ोर नहीं तू, शक्ति का नाम नारी है। जब को जीवन देने वाली, जब को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है।